ही कोरोना को लेकर एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। कोरोना के ताजा हालात पर होगी चर्चा और हमें नहीं भूलना चाहिए कि कल भी 3,90,000 के ऊपर कोरोना के केसेस आए, लेकिन कल पहली बार कोरोना की सेकंड वेव में 3 लाख से ज्यादा लोग रिकवर नहीं हुए और देश में कोहराम मचा है। कोरोना की इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, 24 घंटे में कोरोना के 3,92,469 केस सामने आए। 24 घंटे में कोरोना ने 3,684 लोगों की जान ले ली है। कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या ने भी इस बार काफी उम्मीदें बढ़ाई है, काफी मनोबल बढ़ाया है। 24 घंटे में 3,08,522 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है। देश के ऐसे 10 राज्य हैं जहां कोरोना के 73% मामले, क्या हाल है इन राज्यों का? महाराष्ट्र से लेकर यूपी, केरल, कर्नाटक समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। इसी के साथ कोरोना की वजह से लोगों की जान भी जा रही है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 62,919 नए केस सामने आए और 828 लोगों की मौत हो गई। बाकी और भी ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। एमपी, राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ में हर दिन हालात काफी खराब होते जा रहे हैं। राजस्थान में एक दिन में 17,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। मध्य प्रदेश में एक दिन में 12,400 नए संक्रमण के केस सामने आए। बंगाल में 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा नए केस मिले। बिहार में 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा केस मिले। जम्मू कश्मीर में 3,500 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना की वजह से लगातार लोगों की मौत हो रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 269 लोगों की मौत हो गई। हालात को देखते हुए कई राज्यों में अभी भी सख्ती बढ़ती जा रही है। कई राज्यों ने तो कोरोना कर्फ्यू को